मोर्चा खोल दिया, एक तरफ सीएम हाउस में शिक्षकों के लिए भर्ती पत्र रिलीज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो चयनित शिक्षक है वो सड़क पर नजर आ रहे हैं। एमपी की दुर्दशा आप देखिए, इनकी आंखों में आंसू देखिए, सिस्टम को नजर नहीं आ रहा है। में आपका स्वागत, हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनने बोला जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक है उनको नियमित करे सरकार जल्द जल्द, क्योंकि शिवराज सरकार ने हर बार को कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, सचिव के लिए कुछ दिया, पंचायत सचिव के लिए, आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को भी वेतन वृद्धि किया गया है और सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया है। इसलिए अतिथि शिक्षकों का भी जल्दी नियमितीकरण किया जाए, महापंचायत बुलाया जाए और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक उनको डायरेक्ट नियमित किया जाए। इनने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर का दरवाजा खटखटाया। ऐसा बोला गया है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कार्य करने वाले योग्यताधारी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण को लेकर दिनांक 1/8/2023 को हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्य मांग है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 बीएड डीएड और प्रशिक्षित और कम से कम 3 सत्र एवं 200 दिवस कार्य पूर्ण कर चुके हैं आरटीई के समस्त प्रावधानों के दायरे में आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी वर्गों एवं सभी विभाग को जैसे रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा ऊषा आदि की मांग पूरी किया है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को कोई तजुर्ब नहीं दी गई है। देखने में आया है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी का दौरा रैलियाँ होती है भारी संख्या में अतिथि शिक्षक ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। कुछ सभा में तो अतिथि शिक्षकों को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शीघ्र महापंचायत बुलाकर नियमित करने का आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। इस वर्ष हजारों अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों के आ जाने से बाहर निकाल दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक बीडी नामदेव के अगुवाई में 53 अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता में बीडी नामदेव, अर्चना मिश्रा, लक्ष्मी पांडे, नीतू शर्मा, प्रीति व्यास, सुनीता व्यास, सरिता राठौर, रीना आरती, नीतू चंदना और सुनीता यादव, अनीता और ये आदि अतिथि शिक्षकों ने मांग की है। जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करते ही राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस चुनावी सरगर्मी में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक की याचिका में नियमितीकरण के संबंध में क्या जवाब प्रस्तुत करती है, फिर क्या कदम उठाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर।